नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटू न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर बाहर चली गई। ममता ने बैठक में राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया और उन्हें 5 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक समय दिया गया। इसी बीच इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि ये सरासर गलत आरोप है, किसी भी बैठक में इस तरह का काम नहीं होता है। आगे सुनिए चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे हैं। भैया मुझे नहीं पता, बट अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हर किसी को होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है और हर सत्र महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कोई साधारण विधायक नहीं ना हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं। ऐसे में उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस की विधायिका है, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं, डेमोग्राफी चेंज करने सवाल है। क्या चीज? रामगढ़ में बिहार के लोग आकर मुखिया क्यों बनते हैं? बिहार वहाँ पे रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं आके? क्या मतलब? कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने झारखंड के सवाल किया कि झारखंड में आके क्यों आके बिहार के लोग आके मुखिया बनते हैं। देखिए, ये क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा से समय समय पर होता रहा है, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर। मुझे खुशी है इस बात की बिहारियों में इतना सामर्थ्य है। आप सबसे बड़े पदों से लेकर एक मजदूर की श्रेणी में भी आप देखिएगा तो देश के हर राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहारी निभाते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में आप चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारे बिहार से आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर विभिन्न राज्यों में, कल नीति आयोग की बैठक में हम मौजूद, वहाँ पर भी कई ऐसे बड़े अधिकारी जो विभिन्न राज्यों में बड़े पद पर हैं, उन्होंने भी आकर जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि वो भी बिहार से हैं। और वहीं एक ऐसा बड़ा तबका भी बिहारियों का है जो विभिन्न राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं और उस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करते हैं। ऐसे में मुझे गर्व होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहारी इतने सक्षम हैं जो आज देश के अलग अलग कोने में भी अपना झंडा बुलंदी से वो फहराने का काम कर रहे हैं। पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। मैं मानता हूँ भारत सिर्फ भारतीयों का है और भारतीयों को ये संवैधानिक अधिकार है कि देश के किसी भी कोने में जाकर वो कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।